हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पुराने पेटीकोट के ढेर सारे आइडिया लेकर आए हैं। फिर हम सभी के घर में कुछ ना कुछ है जो पुराने पेटीकोट हैं, जो इस तरीके से रखे रहते हैं, जिसका हम यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन आज हम इसका एक से बढ़कर एक आइडिया लेकर आए हैं फ्रेंड। बहुत ही कमाल का ये आइडिया है, और ना ही आपको काटना पड़ेगा ना ही आपको सिलाई करनी पड़ेगी। बिना काटे बिना सिलाई किए आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। बहुत ही यूजफुल वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम यूजफुल वीडियो है जो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉटन के जो पेटीकोट होते हैं फ्रेंड, वे रखे रहते हैं, हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उस पेटीकोट को हमें ले लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो नीचे की साइड जो खुला हुआ भाग होता है, हमें वहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से पहले उल्टा कर देना है। अब हमें चुन्नट लगाते हुए हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से हमें कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चाहे तो रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ पर काट कर सिलाई भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे फिर उसे आप कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जो है कपड़े छोड़कर हम यहाँ पर रबड़ बैंड लगा रहे हैं। तो इस तरीके से रबड़ बैंड हम लगा देंगे। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे, और जो यहाँ पर रबड़ बैंड लगा है हम उसे बीचों बीच सेंटर में क्या करेंगे, इसे हम रख देंगे। इस तरीके से हमें क्या करना है, सेट कर लेना है। तो आपको जो भी पुराने कपड़े हैं या नए कपड़े हैं उसे आप ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर जो भी हमारे आसपास कपड़े हैं उसे हम आपको रख कर दिखा रहे हैं। तो आपको अगर नए कपड़े रखने हैं तो उसे आप सरिया कर उसे रख दीजिए, या तो पुराने कपड़े होते हैं जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, खास करके जो ठंडे वाले कपड़े होते हैं तो रखने के लिए हमें सोचना पड़ता है, या तो बहुत सारे कपड़े छोटे हो जाते हैं उसे में भी रखने के लिए सोचना पड़ता है। तो आप इस तरीके से बनाकर इसमें रख सकते हैं। या तो होता ही है कि जो हमें कपड़े धोने होते हैं वॉशिंग मशीन में, तो हमें ढेर सारे कपड़े को इकट्ठा करते हैं उसके बाद हम उसे धोते हैं। तो आप इस तरीके से बनाकर आप नए कपड़े, पुराने कपड़े या तो गंदे कपड़े भी रख सकते हैं, जैसा आप कपड़े रखना चाहते हैं उसमें रख दीजिए। तो आप इस तरीके से बनाकर नए पुराने कपड़े हैं जो रख सकते हैं, जो देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरीके से बनाकर आप इसका यूज है जो कर सकते हैं फ्रेंड। तो आइडिया नंबर टू देख लेते हैं फ्रेंड। तो हमें क्या करना है, पेटीकोट लेना है, और जो नारे दिए हुए रहते हैं हमें क्या करना है, उसको इस तरीके से खींच कर हमें गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम सीधे में ही गांठ लगा रहे हैं, हमने इसको पलटे नहीं हैं, हम सीधा में ही इस तरीके से गांठ लगा लिए। जो भी यहाँ नारे बचे हैं उसको हम क्या करेंगे, अंदर की साइड इसको हम डाल देंगे। तो इसका यूज कैसे करना फ्रेंड, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो होता ये फ्रेंड कि कई लोग इस तरीके के टूल पर बैठते हैं, लेकिन ख़ास करके जिनको कमर में घुटने में दर्द होता है उनको डॉक्टर इस तरीके से बैठने का अलाउ नहीं करता है। तो हम इस तरीके से बैठने के लिए हम लोग बनाते हैं, लेकिन होता है कि इस तरीके से अगर हम बैठते हैं तो कई बार होता है ये नीचे गिर जाता है। तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से बना लेना है, और उसके ऊपर आप जो भी बैठने के लिए बनाए उसे आप इस तरीके से रख दीजिए, और ऊपर से आप पेटीकोट को डाल दीजिए। तो इस तरीके से डालने से होगा ये पेन कि एक तो नहीं गिरेगा और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जो भी उनका घुटने का कमर का समस्या है, जिनको बैठने में उठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, तो हम इस तरीके से उनको बनाकर दे सकते हैं, और इस पर बहुत आसानी से देखिए बैठ भी सकते हैं, और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, और पता भी नहीं चल रहा है कि इसके अंदर ये टूल रखा हुआ है। तो आप इस तरीके से इसका कवर भी हो जाएगा और आपको बैठने में भी काम आ जाएगा। तो आप इस तरीके से बनाकर आप पेटीकोट का है जो यूज कर सकते हैं। सच कहूँ फ्रेंड तो ये वाला आइडिया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड, मुझे कमेंट करके है जो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड। आइडिया नंबर तीन देखते हैं फ्रेंड। हमें फिर से यहाँ पर पेटीकोट को लेना है, और हमें पेटीकोट का पहले सीधा कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेटीकोट को छोड़ते हुए हम बराबर में हम क्या करेंगे, बीच से हम यहाँ पर रबड़ बैंड लगा देंगे। तो यहाँ पर आप सिलाई कर लीजिए या तो रबड़ बैंड लगा लीजिए। तो हम देखिए बीचों बीच हम इस तरीके से रबड़ बैंड है जो लगा लिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमने पेटीकोट के उल्टे साइड में हमने रबड़ बैंड लगाया, अब यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे। तो आप इसे चाहे तो काट कर भी अलग कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको बना लेना। बीचों बीच हम सेंटर पर जो भी हमने रबड़ बैंड लगाया उसे हम यहाँ पर रख दिए हैं। जो भी आपके पास पुराने कपड़े हैं उसे आप ले लीजिए, या तो आप रुई भी जो होते हैं कॉटन होते हैं उसे भी आप ले सकते हैं। तो मेरे पास जो भी आसपास के कपड़े हैं फ्रेंड उसे हम आपको डालकर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो भी हमारे पास पुराने दुपट्टे हैं उसे हम ले रहे हैं, और इस तरीके से हम कुछ दुपट्टे को इसमें हम डाल दे रहे हैं। डालने के बाद आपको करना क्या है फ्रेंड, कि आपको जो ये डोरी दिए हुए हैं उस डोरी को हमें क्या करना है, खींच लेना है, और खींच कर हम इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो पहले हम अच्छी तरीके से दुपट्टे को सेट कर लेते हैं, और अच्छी तरीके से हम पहले इसको हम
सेट करने के बाद हम इसको आपको दिखाते हैं। तब इसको देखिए हमें अच्छी तरीके से सेट कर लिए फ्रेंड। तो आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले तो आपको इस तरीके से बनाकर आप चाहें तो इसको कुशन में भी आप यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से जब आप बनाइएगा तो देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो आप इस तरीके से बनाकर आप कुशन में भी यूज कर सकते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और पता भी नहीं चल रहा कि हमने इसे क्या चीज़ से बनाया है। तो आप इस तरीके से इसमें कॉटन भर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना कुशन है जो बना सकते हैं। और दोनों साइड देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और दूसरे तरीके से आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखते हैं फ्रेंड। जो चेयर होते हैं नीचे की साइड, ये देखिए काफ़ी गड्ढा होता है, तो कमर के जो उनको दर्द होता है उनको इस तरीके से बिल्कुल नहीं बैठना होता है, तो उनके लिए आप इस तरीके से बना लीजिए। तो बिल्कुल क्या हो जाए, एक तो ऊँचाई एक लेवल में आ जाएगा। और इस तरीके से उनको बनाकर दे दीजिए, बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, आप इस पर बहुत आसानी से वो बैठ सकते हैं, जिससे जिनका भी कमर का दर्द है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक भी हो जाता है। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं फ्रेंड, आइडिया नंबर 4 देख रहे हैं फ्रेंड। तो हम यहाँ पर देखिए फिर से पेटीकोट लिए, जो नारे दिए हुए उसे हम फिर से खींच लेंगे। खींच कर हम यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, गांठ लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको है जो हम गांठ लगा दी है। अब हम इसको करना क्या फ्रेंड, कि जो भी हमारे पास पुराने कपड़े हैं तो पुराने कपड़े लीजिए। अब पुराने कपड़े को आपको क्या करना है, लंबाई में देते हुए आपको इसमें डालना है। जैसे कि जितना लंबा आपका पेटीकोट है उतना लंबा आपको क्या करना है, कपड़े को डालना है। बिल्कुल लंबाई में आपको करके कपड़े को डालना है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास कपड़े थे हम इसको देखिए लंबाई करके हम इसमें डाल दिए। अब हम इस तरीके से हमें क्या करना है, चुन्नट लगाना है। जैसे हम पल्लू वगैरह में चुन्नट लगाते हैं ना, साड़ी पहनते हैं, उसी तरीके से हमें चुन्नट लगाना है। और उसके बाद हम यहाँ पर रबड़ बैंड है जो लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देखें फ्रेंड, रबड़ बैंड है जो हम लगा लिए हैं। तो ये हमारा जो मसलन होते हैं, हम लोग मसलन करते हैं, जो लंबे वाले तकिए होते हैं उसे हमें क्या करना है, बना लेना है। तो आप इस तरीके से बनाकर है जो तकिए का यूज कर सकते हैं, मसलन में यूज कर सकते हैं। या तो होता ये फ्रेंड कि जो हमारे पास इस तरीके के लंबे वाले तकिए होते हैं उसका कवर फट जाता है, तो आप उसमें डालकर इस तरीके से रबड़ बैंड लगा दीजिए, तो आपका ये तकिए का कवर है जो बन जाता है। तो आप इस तरीके से तकिए में यूज है जो कर सकते हैं। आइडिया नंबर 6 देख लेते हैं फ्रेंड। हमारे पास इस तरीके के तो कार्डबोर्ड होते ही हैं, तो आप कोई भी बड़ा या छोटा कार्डबोर्ड ले सकते हैं। तो होता है ये फ्रेंड कि जो इस तरीके के कार्डबोर्ड होते हैं, जब हम इस तरीके से खुला रखते हैं तो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तब आपको करना क्या है कि पेटीकोट को आपको नीचे की साइड से जहाँ पर डोरी दिए हुए रहते हैं वहाँ पर आपको गांठ लगा देना है। और कार्डबोर्ड के अंदर हम इसको क्या करेंगे, हम डाल देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने पेटीकोट को उल्टा करते हुए हम इस तरीके से क्या किए, अंदर की साइड से डाल दिए। तो जो नारे वाले हिस्से थे हम उसको नीचे की साइड रहने दिए फिर, और इस तरीके से हम देखिए क्या किए हैं, पेटीकोट को डाल दिए। अब इस तरीके से बनाने से होगा ये कि आपका जो कार्डबोर्ड है वो क्या होंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो गया है। अब इसमें चाहें तो ढेर सारे कपड़े हैं जो ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो कम जगह होने के वजह से फ्रेंड आप इस तरीके से कपड़े को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब इस तरीके से बनाकर आप अलमीरे के अंदर या तो अलमीरे के बाहर जहाँ पर भी आपको जगह है फ्रेंड वहाँ पर आप इस तरीके से बनाकर रख सकते हैं। तो एक तो आपके कपड़े गंदे भी नहीं होंगे, आप चाहे तो आप पेटीकोट को ऊपर से ढक भी सकते हैं या तो आप इसी तरीके से रहने दीजिए। तो आप इस तरीके से बनाकर आप इसमें कपड़े हैं जो ऑर्गेनाइज करके हैं जो रख सकती हैं। नेक्स्ट आइडिया देखते हैं फ्रेंड, आइडिया नंबर 6। तो होता है ये फ्रेंड कि जो फैन होते हैं, फैन का कोई कवर नहीं होता और इस तरीके से जब हम खुले रखते हैं तो फैन काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और हमें बार बार साफ़ करने पड़ते हैं। और अभी के गर्मी का मौसम है फ्रेंड, तो सभी के घर में फ़ैन तो यूज हो ही रहे हैं, तो इस तरीके से खुला रखने से काफ़ी ज़्यादा ये गंदे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो नारे वाले हिस्से होते हैं वहाँ पर देखिए हमने नारे को यहाँ पर गांठ लगा दिए हैं। अब हमें इस तरीके से फैन के ऊपर हमें पेटीकोट को डाल देना है, और जो खुला हुआ भाग है हम क्या करेंगे, पीछे की साइड से हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और हम यहाँ पर रबड़ बैंड लगा देंगे। तो इससे होगा ये फ्रेंड कि हमारे पूरे जो पंखे वो कवर हो जाते हैं, आगे की साइड भी ये कवर हो गया, पीछे की साइड जो मोटर वाले हिस्से होते हैं हम उसे लेते हुए इसको भी हम कवर कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप पेटीकोट को आप है जो फैन को कवर करके रख सकते हैं, जिससे आपका जो फैन है कभी भी गंदा नहीं होगा और आपको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं फ्रेंड, आइडिया नंबर 7। तो हमें फिर से पेटीकोट लिए फ्रेंड, हमें करना क्या है कि जो खुला हुआ भाग होता है पेटीकोट के नीचे वाले जो हिस्से होते हैं हम उसको इस तरीके से क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर हम रबड़ बैंड लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर भी आप सिलाइयाँ कर सकती हैं फ्रेंड, काट कर से अलग कर दीजिए और यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए। यहाँ पर हम रबड़ बैंड लगा दिए हैं। अब हमें करना क्या है कि पेटीकोट को हमने उल्टे में रबड़ बैंड लगाए तो हम इसे सीधा कर लेंगे। अब इसका यूज कैसे करना है फ्रेंड, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं।
तो जो गैस सिलेंडर होते हैं फ्रेंड्स सभी के घर में होते हैं। इस तरीके से जब हम गैस सिलेंडर को खुला रखते हैं तो देखने में बिल्कुल ख़राब लगता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि गैस सिलेंडर इतने ज़्यादा हम लोग को पुराने मिलते हैं तो देखने में काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब लगते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे आप चाहे तो कोई कार्डबोर्ड भी रख सकते हैं फ्रेंड, आके आपके पास कार्डबोर्ड है तो कार्डबोर्ड ले लीजिए और गैस सिलेंडर के ऊपर कार्डबोर्ड को रख दीजिए। उसके ऊपर से आपको क्या करना है, इस तरीके से पेटीकोट को डाल देना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ये क्या हो जाते हैं, ये कवर हो जाते हैं। तो ये हमारा जो गैस सिलेंडर का कवर है बिल्कुल अच्छी तरीके से बन जाता है। अब आप इस पर चाहें तो कोई फ्लावर वगैरह आपके पास आए तो उसे भी आप इसमें रख दीजिए, तो ये देखने में और भी अच्छे लगेंगे और ये पता भी नहीं चलेंगे कि ये गैस सिलेंडर है। तो आप इस तरीके से गैस सिलेंडर को है जो कवर करके आप रख सकती हैं। आज का एक कुछ छोटी छोटी आइडिया थी फ्रेंड, जो आप लोग को कैसा लगा, कौन सा आइडिया आप लोग को अच्छा लगा फ्रेंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।